how to manage job along with your testnet preparation, this video is all about that. So if you are working professional, कहीं पे आप job कर रहे हो और आप testnet exam target कर रहे हो 2023 or 24. So this video is for you people, okay? So do watch this video very carefully and share this video to all your friends, those who fall in same category, मतलब job के साथ testnet prepare कर रहे हैं या तो फिर एनी अदर थिंग दे आर डूइंग. ओके, सो टेस्टनेट का जो कॉम्पिटिशन है वो 45 to 50,000 एप्लीकेंट राइट द एग्जाम एवरी ईयर. ओके, सो कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स इज रफली 1400+ सीट्स. ठीक है, सो 1 to 2% ऑडियंस विल गेट दी सेलेक्शन इन TISS. सबको एडमिशन नहीं मिलेगा टिस्क के कैंपस में. ठीक है, सो विच एवर कोर्सेज यू आर टारगेटिंग फॉर, वेदर इट इज HRMLR, ODCL या नॉन HRMLR, ODCL का कोर्स टारगेट करो, सो काइंडली गो थ्रू दी कट ऑफ फॉर द पर्टिकुलर कोर्सेज. ठीक है, कट ऑफ को लेकर वी हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो, कौन सा कैंपस और कौन सा कोर्स आप टारगेट कर रहे हो उसके लिए मुझे आउट ऑफ 100 कितना स्कोर लेके आना है टेस्टनेट के एग्जाम में. आइडियल टारगेट आई ऑल टाइम एडवाइस 80+ का टारगेट होना चाहिए. ओके, सो इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका लेस देन 5% लोगों को ही एडमिशन मिलेगा, ये आपका कॉम्पिटिशन है. दिस कॉम्पिटिशन बाई दिस नंबर आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू, आई एम जस्ट शोइंग यू द फैक्ट, जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट. तो फैक्ट पता होगा तो चीज़ें ईजी हो जाती है. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट डोंट क्विट योर जॉब. ठीक है, जॉब छोड़ के पूरा दिन मैं पढ़ाई करूँगा टेस्टनेट का एग्जाम को लेकर के, वो गलती आपको नहीं करनी है. अलॉन्ग विथ योर जॉब यू हैव टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन. ठीक है, सो आई माई सेल्फ विल नॉट एडवाइज यू टू लीव द जॉब, तो वो गलती नहीं करनी है. स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टेस्टनेट इटसेल्फ, मतलब टेस्टनेट के बारे में डिटेल स्टडी करो. स्टडी अबाउट द एग्जामिनेशन की what इज डिमांड, what टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, what इज द डिफिकल्टी लेवल एंड what आर द resources आई हैव टू फॉलो. थोड़ा सा एग्जाम के बारे में हंट करो, स्टडी करो एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ऑल्सो डू ट्राई टू आइडेंटिफाई what आर द थिंग्स विच यू कैन डू वाइल यू आर ट्रैवलिंग. अगर आपके जॉब में ट्रैवलिंग टाइम इन्वॉल्व है तो आप ट्रैवलिंग टाइम में क्या कर सकते हो, GK के नोट्स रिफर कर सकते हो, ग्रामर के रूल्स रिफर कर सकते हो. तो ये सारे छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एड ऑन करनी है. ओके, सो वाइल यू आर ट्रैवलिंग अननेसेसरी मोबाइल पे टाइम वेस्ट करोगे, गाने सुनोगे, अगर वो अवॉइड कर सकते हो तो अच्छी बात है. आपके उस टाइम को भी आप जो टाइम आप मोबाइल पे वेस्ट करोगे उसको आप आपकी स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हो, रिवाइज करने के लिए नोट्स आप बना सकते हो. ठीक है, दिस इज़ द वन. सेकेंड थिंग इज नथिंग बट डेली बेसिस पे आपको 2 to 3 hours मिनिमम डिवोट करना होगा प्रिपरेशन को लेके. उसमें से क्या क्या करना है आपको, न्यूज़ पेपर रीडिंग नंबर वन, लाइक द हिंदू, आई ऑल टाइम एडवाइस द हिंदू का पेज वन एंड एडिटोरियल पेज मस्ट एडवाइजेबल है. उसके बाद आपका GK, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, दोनों को मिला के एक एक घंटा डेली बेसिस पे आपको GK को देना है. तो मतलब 2 hours यहाँ पे आपका जाने वाला है. सो 1 hour जो बच रहा है, अगर आप 3 hours डिवोट कर रहे हो तो 2.5 hours डिवोट कर रहे हो, तो उसमें आप आधे घंटे देकर के इंग्लिश का कोई टॉपिक कर सकते हो. सो इन अ वीक एक टॉपिक आपका इंग्लिश का हो जाएगा एंड मैथ्स को लेकर के जो टॉपिक आप प्रैक्टिस करने वाले हो, आइडियली आई रिकमेंड कि सैटरडे संडे ज़्यादा आप टाइम निकालो प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज मैथ्स के केस में आपको लॉन्ग सिटिंग लगेगी. सो जो टॉपिक आपको करना है, फॉर एग्जांपल आपको रेशो प्रोपोर्शन करना है और एजेस वाले क्वेश्चन करने, दोनों रेशो का ही पार्ट है, तो उसकी थियरी आप वीकडे में मंडे टू फ्राइडे के बीच में 15-20 मिनट दे करके गो थ्रू कर लो, थियरी पार्ट देख लो. इफ़ यू हैव अ मेन्यूअर ऑनलाइन डैशबोर्ड तो उसमें से वीडियो देख लो, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो वेन यू जंप टू द क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन बनेगा, सॉल्व होगा, डीमोटिवेशन नहीं आएगा. प्रॉब्लम ये होता है कि मैथ्स में ये समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें, व्हाट आर द डेटा आई शुड पिक, फॉर्मूला क्या लगाना है, सॉल्व कैसे करना है, ये एक प्रॉब्लम होती है. तो उसके लिए आपका फाउंडेशन वो अच्छा होना चाहिए. ठीक है, इन एडिशन टू दिस जो भी आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो कोचिंग के लिए, तो वो कोशिश करो सैटरडे संडे ज्वाइन करो या तो फिर लेट इवनिंग. ठीक है, लेट इवनिंग या तो फिर सैटरडे संडे की बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो, वो आपका लर्निंग के लिए है. बट इन सैटरडे संडे यू हैव टू डिवोट एटलीस्ट 4 to 5 hours और 6 hours+ फॉर प्रैक्टिस पर्पज. तो रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आपको सैटरडे संडे डिवोट करो, 1 to 2 टॉपिक या 1.5 टॉपिक खत्म करो मैथ्स का. अगर वीकली बेसिस पे ये काम कर रहे हो तो आपका दिसंबर के पहले सारा कुछ पढ़ के हो जाएगा और बहुत स्मूथली अच्छे से पढ़ के हो जाएगा. सो 1 to 1.5 टॉपिक ऑफ मैथ्स, 1 टॉपिक ऑफ इंग्लिश पर वीक. ठीक है, एंड लॉजिक आप लास्ट के 3-4 महीने पहले भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज लॉजिक का वेटेज 2 to 3 marks का है. बट हाँ, GK डेली बेसिस पे 1 hour, अगर उससे ज़्यादा टाइम दे सकते हो आप तो वेल एंड गुड, बट दिस इज़ वॉट द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर योर प्रिपरेशन. और ये टाइम ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम आप दे रहे हो, आपका जॉब के साथ ये टाइम आराम से मैनेज हो सकता है और ये आपको मैनेज करना पड़ेगा. ओके, ऑल्सो डू ट्राई टू राइट द टॉपिक टेस्ट फॉर अ टॉपिक विच यू हैव प्रिपेयर थ्रू आउट द वीक. पूरे वीक में आपने क्या प्रिपरेशन की है उसका टेस्ट लिख के इवेल्युएट करो मुझे कितना आता है. रिविजन आपका डेली बेसिस पर होना चाहिए और वीकली बेसिस पर भी रिवाइज करो. बोर हो रहा है आपको तो लॉजिक का टॉपिक उठा लो, ईजी वाले लाइक कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक हो गए, अरेंजमेंट वाले टॉपिक हो गए, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं.
ठीक है. सो दिस इज हाउ यू शुड चैनलाइज योर सेल्फ फॉर द प्रिपरेशन. लेक्चर्स आप अटेंड करो, जो भी कोचिंग आपने ज्वाइन की है. इफ यू हैव ज्वाइन मेनुआ, सेम थिंग यू हैव टू फॉलो. यू विल बी गेटिंग ऑल द प्री रिकॉर्डेड वीडियोज, बुक्स, टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यू विल बी गेटिंग, विच इज मोर देन सफिशियंट. ओके, सो हर टॉपिक से लेके आप 100 क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस करने वाले हो. तो अगर बैच ज्वाइन नहीं किया तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. आर टीम विल हेल्प यू 8828581455. बट इफ आर मुंबई बेस्ड, यू कैन विजिट आर सेंटर बोरीवली एंड दादर वसई. डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. ऑल्सो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी देर विल बी लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन. डीमोटिवेशन आएगा, कोई टॉपिक सॉल्व नहीं होगा, सेक्शन समझ में नहीं आएगा. डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है. इट्स ओके अगर आपका कोई टॉपिक या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है. ट्राई टू सॉल्व इट, टेक द हेल्प ऑफ द फैकल्टी और द यू नो एनी ऑफ योर फ्रेंड जो आर टारगेटिंग फॉर द TISS. बट उसको प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, गिव अप नहीं कर देना आपको. और जॉब नहीं छोड़नी अपने को. हाँ, एग्जाम के लास्ट मोमेंट के टाइम पे आपको ब्रेक लेना पड़ेगा हॉलीडेज़ के लिए. एक दो महीने पहले से अप्लाई कर देना, दो तीन महीने पहले से अप्रूव भी हो जाएगा. और दूसरा चीज़ की आपको टाइम भी मिल जाएगा प्रिपेयर करने के लिए. तो लास्ट मोमेंट पे तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी. बट अभी के लिए मैं जॉब क्विट कर दूँ और फिर पूरा फोकस टेस्टनेट पे लगा दूँ, वो मैं एडवाइस बिल्कुल भी नहीं करूँगा. मैं किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ वो, ठीक है. सो दैट्स ऑल दिस वीडियो गाइस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि क्या करना है क्या नहीं करना है. जॉब के साथ टेस्टनेट की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. आराम से हो जाएगी अगर आप प्रेशर लेना बंद कर दोगे और चीज़ों को स्मूथली चैनलाइज करके स्टार्ट करोगे तो डूएबल होगी, ठीक है. एंड इन केस इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ असिस्टेंट, यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम. या तो फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर फिल कर दो. आर टीम विल गेट बैक टू यू एंड गाइड यू विद रिगार्ड्स टू योर प्रिपरेशन. सो प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.